आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कौन है? तो आज हम पढ़ेंगे मुकम्मल परफेक्ट। परफेक्ट यानी जिन सेंटेंसेस के आखिर में हो चुका आता है, चुका जो काम हो चुके हूं उन्हें मुकम्मल बोलते हैं। जो काम हो चुके हूं मतलब मुकम्मल हो गया। जैसे मैंने पढ़ा, क्या मैं नहीं, मैंने पढ़ा नहीं तो इंडेफिनेट हो गया, कब पढ़ा नहीं मालूम है। तो मैं पढ़ चुका हूं, क्या मैं खा चुका हूं, मैं नाच चुका हूं, है ना। जिन चीजों के बारे में चुका हूं आए तो वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होते हैं इसमें? क्या लगता है इसमें? सब्जेक्ट लगता है, हमारा एक सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, या लगता है हैव, या लगता है और लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, थर्ड वर्ब। जैसे कल हमने पढ़ा था आई एम रीडिंग। आज के लिखेंगे हम आई हैव। देखो रीड है ना, रीड R-E-A-D जो है ना, इसको जब वर्ब की फॉर्म देखेंगे हम तो इसको खाली रीड, उसके बाद फिर स्पेलिंग वही लेकिन पढ़ते अलग से हैं, रीड रेड और रेड, ऐसे पढ़ते हैं इसको। स्पेलिंग सेम है लेकिन हम इसको रेड पढ़ते हैं। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं, क्या मैं दूसरी आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए इधर, देखो ना, क्योंकि बाद में कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। जब मैं पढ़ाता हूं ध्यान यहां रखना चाहिए, ध्यान यहां रखना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है, और अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर बाद में तुम्हें पता ही नहीं होती है, बड़े स्कूल में जाते हो फिर वो बोलते हैं इनको क्या पढ़ाया है, इनको कुछ पढ़ाया ही नहीं है और ना इनको कुछ आता है। तो हमारा काम पढ़ाना है, आप दिमाग में तो नहीं डाल सकते ना आप, ये कोई पानी नहीं है जो हम आपको पिलाएंगे, ठीक है। तो ये खुद समझना है, यहाँ पे देखना है अच्छे से देखा करो, मैं कौन सा डंडा लेके आपके सर के ऊपर खड़ा हूं। तो मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। जैसे मैं बोलूंगा आपको, बच्चों आपने पढ़ा सर, हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलोगे? मतलब अभी मैं चला जाऊंगा, पढ़ा के मैं चला जाऊंगा, तो कोई बोलेगा आओ अंग्रेजी लाओ, इंग्लिश लाओ, तो आप बोलोगे हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आपने पढ़ी ना अभी, अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, तो मैं पढ़ चुका हूं। ठीक, मैं पढ़ चुका हूं। आए तो We have read. हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये डेफिनेट, ये क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट में है इसलिए हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं। अच्छा, they have read. वो पढ़ चुके हैं
चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज देख लेना, यहाँ देख लेना, सेकंड पर्सन जो होता है ही और शी और इट, इनके साथ हैज लगता है, क्या लगता है? हैज। किसके साथ? यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, ही शी और इट, इनके साथ क्या लगता है? परफेक्ट में क्या लगता है? इनके साथ हैज, क्या लगता है? इनके साथ हैज लगता है, बाकी सब के साथ हैव लगता है, ठीक है? यू के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, ठीक? लेकिन ही शी और इट इनके साथ हैज लगता है। जैसे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कंफ्यूजन हो जाती है, वो बोले आई हैज या आई हैव, है ना? तो इसका मतलब है हमें क्या बोलना है? आई हैव, हैज नहीं बोलना, आई हैव। जैसे मैंने बोला आपको आपने चाय पी सुबह, कैसे बोलूंगा? हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय पी है? तो यू आप क्या बोलोगे? यस वी हैव टेकन टी, हमने चाय पी हुई है। तो जो काम हो चुके होते हैं वो मुकम्मल होते हैं और उनको परफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। तो I have read, we have read, they have read, he has read, she has read, she, अगर किसी फीमेल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो she has read, तो यहाँ पे भी वो पढ़ चुकी है, वो पढ़ चुकी है। अब लड़की आ गई ना, पढ़ चुकी है। और अब क्या कहते हैं इसको, ये वो पढ़ चुकी है, यू हैव, अब यू जो है इसके साथ हैव होता है, यू हैव, यू हैव राइट, आप पढ़ चुके हैं, या तुम पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी मुहज़्ज़ब लैंग्वेज में आप बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। तो इट क्या, इट खाली, इट बेजम शुरू कर दे, इट हैज रेड, इट हैज रेड, ये पढ़ चुका है, ये अब आगे समझ आपको। तो क्या है आप देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तीसरे नाम जाता है, और ये मुकम्मल, जब कोई चीज काम मुकम्मल हो गई हो, जैसे रो आप क्या कर रहे हो, दिख भी रहा हूं मैं, तो जब कोई चीज मुकम्मल हो चुकी हो, जैसे आप खा चुके हैं, आई हैव, अगर हमने लिखना हो मैं खा चुका हूं, मैं बोलूंगा को रोटी खाई, मैं खा चुका हूं, आप क्या बोलोगे? मैं खा चुका हूं, आप कैसे बोलोगे? मैं खा चुका हूं, यानी मैंने खाई हुई है, ठीक है? तो कैसे बोलोगे अंग्रेजी में, कैसे बोलोगे? आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, I have eaten.
कैसे बोलोगे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। तो इसी तरह से आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। वी हैव रेड, हम पढ़ चुके हैं। दे हैव रेड, वो पढ़ चुके हैं। He has read, वो पढ़ चुका है। She has read, वो पढ़ चुकी है। You have read, आप पढ़ चुके हैं। And it has read, ये पढ़ चुका है। तो इसके साथ ही शुक्रिया। तो ये फार्मूला जो है, ये वाला है सब्जेक्ट प्लस has या फिर have प्लस थर्ड फॉर्म हो। तो ये है परफेक्ट टेंस। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ओके। इसको लिखो और याद ये अलग चीज रखनी है। और हैज कहां लगता है? ही शी इट के साथ हैज लगता है। ठीक है, थैंक यू।